हमारे खानदान में जो सियासत है वो चौधरी जुरुलाई शहीद साहब ने स्टार्ट की थी और बड़ी उन्होंने जद्दोजहद की, बड़ी खिदमत की इस मुल्क की और अवाम की, बड़े बड़े उसके उन दिनों के वाकयात हैं। और चौधरी जुरुलाई शहीद साहब के बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब ने इस ख़ानदान की सियासत को वो आगे ले कर चले। अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब इस ख़ानदान की सियासत को आगे ले कर ना जाते तो ना तो कोई सीएम बनता, ना कोई वज़ीर बनता और ना कोई मशीर बनता। तो जो चौधरी शुजात हुसैन साहब की और चौधरी जुरुलाई साहब की खिदमत और अबादारी की सियासत हमेशा रही है, उस सियासत को हम हमेशा आगे ले कर चलेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर तरह तरह के दौर जो हैं वो गुजरे हुए हैं, तो उन दौरों में आपको पता है कि ज़्यादातर हमेशा अपनी जेब को सोचा गया और गुजरात शहर के हवाले से किसी ने जो है उस तरह नहीं सोचा, बस लूट मार का ही आपको पता है कि निज़ाम रहा है। और जो जो एम पी आई यहाँ पर रहे हैं गुजरात शहर में, वो यहाँ पर गुजरात शहर में ही रहते हैं मगर उन्होंने गुजरात शहर में भी रह के कुछ नहीं किया। हूँ जिस तरह इतने सिवरेज का निज़ाम है, सिवरेज का निज़ाम जड़ा है वो थोड़ी ताकत नाल तुसी जो जितवाओगे इंशाल्लाह मौका मिलेगा कि शहर का मैं एम पी अगर बनया तो इंशाल्लाह गुजरात का जो सिवरेज है वो इंटरनेशनल मियार के मुताबिक इंशाल्लाह बनाया जाएगा। चौधरी सालिक हुसैन साहब की वजह तो उन्होंने विफाक को फंड अप्रूव कराए सन डिवेलपमेंट के, जिदे तो असी पिछले 5 महीने के बेच शादमान की सड़क बना के मुकम्मल कीतियाँ, डंडे मार दी कमल सालवी रोड मॉडल टाउन तो प्रिंस चौक की तुम्हें पता की हालत सी, बस हम 2 इंच की रह गई लेर प्रिंस चौक की, इंशाल्लाह वो भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। तो प्रिंस चौक के नाल नाल जिन्नी दुकाना ने उन्होंने टैक्सटाइल का भी इंशाल्लाह काम होएगा। तो मैं समझना कि इंशाल्लाह मेरा तो यही इरादा है कि इंशाल्लाह गुजरात शहर तो एम पी ए का जोड़ा है इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ना है, उत्ते जोड़ा है सालिक साहब का जोड़े मेरे छोटे भाई ने उन्होंने प्रोग्राम है एम एन ए का इलेक्शन लड़न वास्ते। तो नाल मैं भी दसना चाहना कि जोड़ा पी टी आई का दौर रहा है वो दौर तुम याद करो तो वो की काम हुए ने, ठीक है, तो वो जोड़ा लुटमार बल्कि बधी है, तो जोड़ा पी टी आई का चेयरमैन है वो दिन रात झूठ बोलता रहा खास तौर पर यूथ के नाल, तो खाली गल्लां नाल कुछ नहीं होता अमल करना चाहिए। तो उन्हें आख्या कि मैं पहले साल में यह कर देंगे वो कर देंगे करप्शन का खात्मा कर देंगे। मैं तो कल एक इंटरव्यू भी दिता है वो मैं आख्या कि जिन्हें भी मिनिस्टर रहे ने भावे वह नून लीग के हो पी टी आई के हो सारे का हिसाब होना चाहिए। हुण टाइम आ गया कि हर एक सा हिसाब होना चाहिए। हुण तुसी अजकल वेखो जरा डॉलर थले जा रहा है तो कई लोगों इलेक्शन की पई है, मेरा तो ख्याल है पहले महंगाई तो घट हो जाए वरना फिर 90 जदों आ जाएंगे वो कहेंगे कि पिछले का कसूर है। तो यह बड़ा जरूरी है कि पहला मुल्क नूं बेहतर कर लिए, जोड़े साढ़े ममालिक ने हमसाया ममालिक ने वो कितने तो कितने पहुँच गए हैं, इस वास्ते कि वो पहला अपना मुल्क का सोचते हैं फिर अपनी जेब का सोचते हैं, मगर इतने जोड़ा ना वो सिर्फ अपनी जेब का सोचते हैं। तो कब्ज़ा माफिया तो पता है कि बड़ा इतने मुतारक रहा, तो हूँ तो पता है कि 200 एकड़ अराजी जी सी इंडस्ट्रियल जोन की और सालिक साहब की कापशां की वजह तो वो 200 अराजी जी है वो जो उन्होंने हकदार सन उन्होंने वो वापस दिलवाई है जमीन। तो इतने भी जोड़ा भी साढ़ा इतने दफ्तर बने अवामी दफ्तर बने हैं, रोज़ाना 60-70 बंदा आता इतने, तो मैं तो आख्या कि जिड़ी भी पार्टी का बंदा उन्होंने काम करने ने तो मैरिट तो कम होने चाहिए ने, अगर साड़ी पार्टी गलत भी है तो फिर भी उसका काम नहीं करना। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफों ही मेरा इलेक्शन लड़न का इंशाल्लाह प्रोग्राम है, तो गुजरात तो अलावा इंशाल्लाह पंजाब के भी इंशाल्लाह साड़ा प्रोग्राम है। तुसी दुआ करो कि कम अज़ कम कोई 14-15 या 16 सीटा पंजाब में भी साड़ी निकलन, तो तुसी मुतारक होकर जोड़ा दिन रात कम करो तो लोगों को दसो कि सच है तो की झूठ है।